इसराफ, फजूल खर्ची और इसराफ। देखिए, अगर हम वाकई अपने बहुत सारे हम खर्चों को कम करें, आपके पास बहुत सारे पहले से ही मसलन कपड़े हैं और आप कोई एक कपड़ा लेने गए, आपने 3-4 प्रिंट खरीद के ले आते हैं जो जो आपको पसंद आते हैं। बहुत सारे इस तरह के आपके पास कई जोड़े जूते पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन आप फिर मजीद 5-6 और खरीद के ले आती हैं। लेकिन उस लिहाज से बहुत सी बातें अपनी जाती और पर्सनल भी आपको बता देता हूँ। कभी भी मकसद ये नहीं होता कि आपको कोई, लेकिन एक होता है कि हम तशवीक और तरकीब के लिए या कोई भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि देखिए, मैं मसलन बड़ी पर्सनल आपको बात बताऊं कि पिछले 14 साल में शायद सिर्फ मैंने 2 जोड़े जूते लिए हैं अब तक। खराबी नहीं हुए, जब नहीं हुए तो ज़बरदस्ती लेने की क्या ज़रूरत है? कंफर्टेबल है, अच्छे तरीके से पहन रहे हैं उसको, कहीं ऐसा भी नहीं है कि कहीं उसमें पेवंद लगे हुए हों या मसलन सिलाइयाँ हुई हुई हैं उसके अंदर, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है दूसरा लेने की? मसलन कंजूसी की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि ज़रूरत नहीं महसूस हो रही कि बिला वजह क्यों एक चीज़ के ऊपर पैसा लगाया जाए। तो बहुत सारी देखिए इस तरह की चीज़ें हम अमूमी ज़िंदगी में भी हमारे पेश आ जाती हैं कि हम खरीदारी पे खरीदारी यानी आप अगर आप अपनी दराजें और अलमारियां खंगालें तो आप खुद देखेंगे कि कितना अल्लम गल्लम ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं उसके अंदर कि जिसका कोई भी यानी जिसको कभी आप नहीं पहनेंगी, कभी इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो क्या क्या वो चीज़ें पड़ी हुई हैं घर में, लेकिन वो सब किस वजह से? वो इसराफ की वजह से। और ज़ाहिर है कि जब इसराफ होता है तो फिर वो रिस्क में खुद ब खुद उस लिहाज से भी पैसा भी खर्च हुआ उसके ऊपर, वो पैसा सेव होता तो आज के आपके किसी काम भी आ रहा होता, एक ये भी, और दूसरा इसके अंदर एक नहूसत और बिग बिग बेबरकती भी इसराफ में, कि इसमें हमेशा पैसों में कमी वाकई होती है।